निकालना है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ऑल्सो इजी क्वेश्चन। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, कैसे निकालते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है भाई। ये आई का आई, जे का जे और के का के, आई का आई, जे का जे और के का के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आर क्रॉस एफ निकालना है तो सबसे पहले आर के कोफिशियंट रखेंगे। तो आर कितना बोलो यहाँ, सेवन, ये है थ्री, ये है वन, ठीक है। के एफ का देखो, एफ की कोफिशियंट डालो माइनस थ्री और ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा फाइव, ठीक है। चलो अब इसका क्रॉस निकालो। क्रॉस निकालने का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था, तीन डिब्बा बनाना, ब्रेकेट बनाना, ऐसे प्लस साइन लगाना, जे लगाना, ठीक है, और ये यहाँ पे के लगाना, एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। बीच में माइनस होता है, आई का लिख रहे हो, रो और कॉलम भूल जाओ, इधर आ गया थ्री मल्टीप्लाइड बाई, थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव फिफ्टीन और माइनस साइन फार्मूले से वन। जे का लिखो, जे का ये रो और कॉलम भूल जाओगे तो यह आ जाएगा माइनस थ्री और ये आ जाएगा माइनस फार्मूले से और ये आ जाएगा थर्टी फाइव, सात पच पैंतीस, ठीक है। और के का लिखोगे तो के भूल जाओ और ये सेवन और माइनस साइन फार्मूले से प्लस और ये नाइन, तो कुल मिला के आ जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन आई कैप और माइनस थर्टी एट, थर्टी एट जे कैप, ठीक है, और ये सिक्सटीन के कैप, ठीक है ना, सिक्सटीन के कैप है कोई, फोर आई कैप थर्टी माइनस फोर आई कैप फोर्टीन आई कैप, चलो है माइनस थर्टी एट जे कैप एक है, सिक्सटीन के कैप है, मतलब है सी ऑप्शन सही है।